hello everyone welcome to all on, Agri on the platform of agriculture and gk knowledge for all myself shivangi and today we will going to discuss about the asrb net aquaculture previous year solved question paper of 2019 so let's start today's session लेकिन उसके पहले एक आपको जरूरी बात बता दें अगर आप आई सी आर जे आर एफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एस आर पी नेट की तो उसके लिए आप हमारा कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं जिस कोर्स प्राइस जो है हमारा पंद्रह सौ है जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा पी डी एफ़ के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे लेक्चर वीडियो और रिविजन बुक आप मिलेगी फीस चीज वगैरह की एंड आपको मॉक टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल होगा तो इसके लिए जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अधिक बूस्ट करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन आज के हमारे सेशन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे है वो है हमारा द एशियन कंट्रीज विच रैंक इंडिया इन एक्वा कल्चर मीन्स एक्वा कल्चर में जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक्वा कल्चर में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है ठीक है इंडिया की रैंक जो है एक्वा कल्चर की अगर बात करें तो उसमें जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें इंडिया की रैंक कितनी आती है तो इंडिया की जो रैंक है वो हमारी आती है सेकेंड पोजिशन पे तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर दैट इज सेकेंड वो करेक्ट हो जाएगा ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा विच क्रॉप कंट्रीब्यूट टॉप अबाउट 84% ऑफ इंडियन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इज मोस्टली रूर बेस्ड दैट मीन्स जो रूलर बेस्ड जो प्रोडक्शन है इंडियन एक्वा कल्चर का उसमें जो एट्टी परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो किस कॉर्प का है तो बेसिकली जो हमारा एट्टी फोर परसेंट जो एक्वा कल्चर का प्रोडक्शन है जो रूलर बेस्ड है उसमें जो आ, सबसे ज़्यादा जो कॉप का कंट्रीब्यूशन है इस प्रोडक्शन में वो है हमारे इंडियन मेजर कॉप इंडियन मेजर कॉप की अगर बात करें तो इंडियन मेजर कॉप में जो है वो हमारा क्या आता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा और इंडियन मेजर काप में जो हमारा एक्वा कल्चर की अगर बात करें तो उसमें जो कटला कटला है लोबियो रोहिता एंड ब्रिगल ये सारे जो है फ्रेश वाटर की जो मेनली फिश की स्पीसीज जो है ये मेजर इंडियन मेजर कॉप में जो है वो कंसीडर की जाती है अगर हम एग्जॉक्टिक क्रॉप की बात करें तो एग्जॉक्टिक काप में क्या होता है एग्जॉक्टिक कॉप का मतलब वो होता है कि ऐसी स्पीसीज जो नॉन इंडिजीनस है दैट जो उनका जो ओरिजिन है वो कहीं और कंट्री में होता है बट उनको जो है हम आके यहाँ पे ग्रो कराते हैं ऐसी स्पीसीज को हम एग्जॉक्टिक क्रॉप बोलते हैं तो एग्जॉक्टिक क्रॉप का एक आपका बेहतरीन एग्जाम्पल जो है हमारा वो सिल्वर जो फिस है वो आती है जो सिल्वर क्रॉप फिस है वो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एग्जॉटिक क्रॉप का ओके होप इट्स क्लियर टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन कंट्री द एरिया ऑफ बेल्स एंड डेरेलिक्ट वाटर यानी कि जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का रिसोर्स है इंडिया में जो बेल्स हैं और जो डेरेलिक्ट वाटर्स हैं ये वाला ए, जो है कितना कवर करता है यानी कि जो एरिया जो बेल्स का एरिया है ठीक है और जो डेरेलिक्ट वाटर का एरिया है वो बेसिकली कितना जो है हेक्टेयर या फिर कितना एरिया जो है वो कवर करता है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगर उसके रिसोर्स की बात करें इंडिया में तो वो हमारा कवर करता है 1.3 मिलियन हेक्टेयर तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ओके अगला है हमारा द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स है कंट्री का उसमें जो टू मिलियन हेक्टेयर है वो क्या कंप्राइज़ करता है यानी कि जो 2.25 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा एरिया है अगर हम बात करें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स की कन, अपने इंडिया की कंट्री में तो उसमें जो है 2.25 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कहाँ से हमारा कवर होता है तो जो 2.25 मिलियन हेक्टेयर है वो हमारा पौंड्स एंड टैंक से जो है कवर होता है जहाँ पौंड्स और टैंक्स में जो हम एक्वाकल्चर करते हैं ठीक है तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा लगभग 2.25 मिलियन हेक्टेयर है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन कंट्री द एरिया ऑफ लेक्स एंड रिजर्वायर अगेन वहां पे हमें पॉन्ड्स एंड टैंक का बताया था यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो लेक्स एंड रिजर्वायर हैं वो कितना जो है कितना एरिया जो है कवर करते हैं तो जो लेक्स एंड रिजर्वायर हैं वो लगभग हमारे टू मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो कवर है, करते हैं होप इट्स क्लियर टू यू ओके अगला क्वेश्चन है हमारा द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन द कंट्री द एरिया ऑफ इरीगेशन कैनाल्स एंड चैनल यानी कि जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का रिसोर्स है कंट्री में उसमें जो इरिगेशन कैनाल और चैनल से जो एरिया कवर होता है यानी कि कैनाल्स एंड चैनल से जो एरिया इरिगेशन का कवर होता है वो कितना है तो वो लगभग हमारा आता है 0.12 मिलियन हेक्टेयर तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन द कंट्री द एरिया ऑफ पैडी फील्ड्स पैडी फील्ड्स का एरिया हमें बताना है कि जो एक्वाकल्चर रिसोर्स में कंट्री में पैडी फील्ड्स का एरिया कितना है तो वो है हमारा 2.3 मिलियन तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ बोथ इंडियन एंड एग्जॉक्टिक का कंट्रीब्यूट ऑफ टोटल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन दैट मीन्स कि इंडियन इंडियन क्रॉप दैट इज़ अ मेजर क्रॉप एंड माइनर क्रॉप एंड एग्जॉटिक क्रॉप जो कहीं ओरिजिन कहीं और की होती है और उसको लिया के हम यहाँ पे ग्रो करते हैं यहाँ के वैसे सिचुएशन उनको दे तो ये दोनों मिलके जो है कितना जो प्रोडक्शन है एक्वाकल्चर का वो कितना कंट्रीब्यूशन होता है इन दोनों का क्रॉप का तो इन दोनों का जो होता है प्रोडक्शन वो मतलब कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में एक्वा कल्चर के वो होता है हमारा लगभग नाइन्टी परसेंट तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया पोटेंशियल ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर इज़ इंडिया में जो पोटेंशियल ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर का एरिया है वो लगभग कितना है तो जो पोटेंशियल uh, अगर ब्रैकिस वाटर की बात करें तो ब्रैकिस वाटर जो है वो फिश फॉर्मिंग का एक सिस्टम है एक्वाकल्चर का जिसमें हम फोकस प्रोडक्शन मतलब क्वालिटी फिन और सेल्फिश जो होती है ना उनका प्रोडक्शन के लिए बेसिकली वो फोकस होता है और ये एरिया जो है ये, ये वाले जो होते हैं ना फाउंड होते हैं वो क्रीक्स लैगूंस और एस्तूरीज में जो फिश जो होते हैं क्वालिटी फिन सेल फिश उस तरीके का सिस्टम जनरेट करके आ, आ, मतलब फिश की फार्मिंग करना ये ब्रैकिस वाटर में आता है ये सिस्टम ज़्यादा चलन में आपका वेस्ट बंगाल एंड साउथ के कुछ जो है स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश केरला वगैरह में आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर एरिया कितना है ये हमसे पूछ रहा है तो जो पोटेंशियल ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर एरिया है वह हमारा है लगभग वन नाइन जीरो नाइन मिलियन एक्टेयर तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा ओके अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ बी एफ डी ए बी एफ डी ए का फुल फॉर्म क्या है तो बी एफ डी ए जो स्टैंड करता है वो होता है हमारा ब्रैकिस वाटर फिश फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी ब्रैकिज वाटर फीस फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये इसका राइट फुल फॉर्म है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा ओके अगला क्वेश्चन है हमारा द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन द कंट्री कम्प्राइज टू पॉइंट टू फाइव मिलियन हैक्टेयर ऑफ यानी कि जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स है कंट्री का वो टू पॉइंट टू मिलियन हेक्टेयर वो किससे हमारा जो है कौन कवर करता है ऑप्शन में हमें बेल्स डीडिलेक्ट वाटर दिया है पैडीफील्स लेक एंड रिजर्वायर एंड पोंट्स एंड टैंक तो अगर आपको याद हो तो अभी पहले की पहले के कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे पॉन्ट्स एंड वाटर का पूछा था कि कितना वो कर करते हैं एंड देन यहाँ पे क्या पूछा है 2.25 मिलियन यहाँ पे दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन कवर करता है मतलब किससे जो है ये एरिया कवर होता है तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि 2.25 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो हमारा किससे कवर होता है वो कवर होता है हमारा पॉन्ड्स एंड टैंक से ओके अगला है हमारा द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन अ कंट्री द एरिया ऑफ बेल्स एंड डेरेलेक्ट वाटर जो बेल्स और डेरेलेक्ट वाटर का जो एरिया है कंट्री में वो लगभग कितना एरिया कवर करता है दोनों मिला के बेल्स एंड ड्रिलेक्ट वाटर तो बेल्स एंड ड्रिलेक्ट वाटर जो मिला के ये टोटल एरिया कवर करते हैं वो है हमारा 1.3 मिलियन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए अगर हम आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट प्लेस है जो ऑकुपाई करता है टोटल लेंथ ऑफ रिवर और कैनाल्स यानी कि जो रिवर्स और कैनाल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में है वो जा सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है जिसमें जो थर्टी वन पॉइंट टू थाउजेंड किलोमीटर एरिया जो कवर करता है और तो टोटल लेंथ सेवेंटी परसेंट जो है टोटल लेंथ ऑफ रिवर एंड कैनाल्स का है इस कंट्री में ठीक है और जहां तक बात रहेगी बेल्स एंड डिलेक्ट वाटर की तो जो इनलैंड वाटर रिसोर्स है इंडिया में कंट्री में उसको रिवर्स कैनाल और इन लाइक बेल्स डिलेक्ट वाटर लेगउ्स इन सारे में जो है डिवाइड किया गया है लेकिन अगर हम एक सीधे तौर पे बात करें अगर रिवर्स एंड कैनाल्स की तो रिवर एंड कैनाल्स में जो है यूपी जो उसका कवर एरिया है जो कर रिवर्स एंड कैनाल्स का एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर बात करें तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे रहता है क्योंकि यहाँ का मतलब ये टोटल जो ओवरऑल इंडिया की जितना भी ये है जो रिवर एंड कैनाल से लगभग कवर होता है एरिया पूरे ऑल ओवर इंडिया का उसका सेवेंटी परसेंट अकेले जो है वो हमारा यूपी में कवर होता है तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रख सकते हैं ओके okay, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एफ यानी कि हमें यहाँ पे एफ का फुल फॉर्म पूछा है तो एफ जो है वो क्या है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ये जितने भी फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी हो, होती है उनको ये सारा रेगुलेट करता है एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ये ठीक है रेगुलेटिंग बॉडी कह सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर इन इंडिया इंडिया में जो टोटल एरिया है ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर का वो कितना कवर करता है अकेले ब्रैकिस वाटर तो ब्रैकिस वाटर अकेले जो है कवर करता है वो हमारा कवर करता है 1.2 मिलियन हेक्टेयर तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा ओके अगला क्वेश्चन है हमारा द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी कि जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन इसका कितना है आ, जो है कंट्री फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का टोटल जो हमारा एक्वाकल्चर है उसमें फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है तो वो है हमारा लगभग फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ओके अगला है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर तो ब्रैकिस वाटर का कितना है कंट्रीब्यूशन तो ब्रैकिस वाटर का कंट्रीब्यूशन ओनली है हमारा फाइव पॉइंट एट परसेंट ओके अगला क्वेश्चन है हमारा द कॉमन नेम ऑफ एनियस वेनामी इज यानी कि जो इनियस एनामी है उसका कॉमन नेम क्या है तो जो व्हाइट लेग स्रिम्प होता है इसका साइंटिफिक नेम जो है हमारा इनियस वेनामी है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा ओके okay? अगला है इन इंडिया ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन विच स्टेट यानी कि जो ब्रैकिस वाटर है वो इसकी ट्रेडिशनली जो प्रैक्टिस होती है वो किस स्टेट में की जाती है तो ये जैसे कि हमने पह, अभी आपको शुरू में बताया वेस्ट बंगाल केरला गोवा एंड कर्नाटका में जो है इसका प्रैक्टिस जो है वो देखने में मिलता है एक्वाकल्चर का ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा द सप्लीमेंट्री फीड यूज इन एक्वाकल्चर जनरली कंसिस्ट ऑफ राइस ब्रेड एंड ग्राउंड ऑयल इस टू केक का रेशियो कितना होता है यानी कि जो सप्लीमेंट्री फीड हम यूज करते हैं एक्वाकल्चर में उसमें जो राइस ब्रैन और ग्राउंड नट ऑयल केक का रेशियो है वो कितना होता है तो ये जो है हमारा वन इज टू वन का होता है यानी कि वन पॉइ वन पार्ट उसका होगा तो वन पार्ट इसका होगा ठीक है इक्वल अमाउंट इसको कह सकते हैं फिफ्टी फिफ्टी ओके तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा वन है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा एन आर सी सी डब्ल्यू स्टैंड फॉर यानी कि जो एन आर सी सी डब्ल्यू है उसका फुल फॉर्म क्या है तो एन आर सी सी जो है वो हमारा है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरी यानी कि कोल्ड वाटर फिशरी का जो नेशनल रिसर्च वो है सेंटर वो हमारा उसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम एन आर सी सी डब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा ओके अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन फ्रॉम एक्वा कल्चर इन टू थाउजेंड टू वॉस जो वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन था आ, एक्वा कल्चर का 2002 में यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ ये है कि वर्ल्ड का पूछ रहा है इंडिया का नहीं तो वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन जो था एक्वा कल्चर का 2002 में वो कितना था तो वो था हमारा 22 मिलियन तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा वॉट इज सी सी आर एफ मतलब जो सी सी आर एफ है उसका फुल फॉर्म क्या है तो सी सी आर एफ जो है वो है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज यानी कि किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हो ठीक है तो उसके आप उसके सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ओके चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट से मीन्स ये होता है कि, कि किसी चीज़ को करने का प्रॉपर तरीका ठीक है तो ये जो है सी सी आर एफ मीन्स जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फीसरी यानी कि जो फीसरीज हम करते हैं उसके लिए भी एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो सी सी आर एफ जो है ये इसके लिए स्टैंड करता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है द डिटेल्ड रिगार्डिंग एक्वा कल्चर डेवलपमेंट आर गिवेन इन विच आर्टिकल नंबर यानी कि जो एक्वा कल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स दी गई हैं वो कौन से आर्टिकल नंबर में दी गई हैं तो ये डिटेल्स जो है वो आर्टिकल नाइन में दी हुई हैं ओके अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया हैज़ द टोटल कोस्ट लाइन इन मीटर यानी कि जो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन एरिया है वो कितना है इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन एरिया से समझ रहे होंगे जो हमारा समुद्र के किनारे का इलाका होता है तो कोस्ट लाइन एरिया जो है वो इंडिया में कितना है वो है हमारा एट थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन यानी कि एट वन टू नाइन ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी ओके अगला है हमारा इंडिया हैज़ द टोटल कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया इंडिया में जो टोटल कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया है वो कितने हैं तो इंडिया में टोटल जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया कवर है वो है हमारा जीरो पॉइंट टू फाइव मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया हैज द टोटल ई यानी कि दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया वो कितना है इंडिया के पास कितना ई एरिया है तो इंडिया के पास जो है टोटल ई जेड एरिया वो है हमारा 2.02 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ई जेड एरिया क्या होता है ई जेड एरिया जो है ये सबसे पहले ना यूएन ने एटीन में जो है क्या किया था प्रेस्क्राइब किया था लॉ ऑफ सी यानी कि मतलब किसी भी कंट्री के पास जो कोई भी सरन स्टेट जो है उसका मतलब उस उसके आसपास में जो सी कवर है ठीक है जैसे आपको पता होगा कि इंडिया वो तीनों तरफ से क्या है सी से घिरा हुआ है ठीक है और ऐसे भी बहुत बहुत सारे स्टेट हैं जो सी जिनका मतलब जो बॉर्डर है वो हमारा सी से, से शेयर होता है तो पानी का बंटवारा कैसे हो उसके लिए यूएन ने एक जो है लॉ ऑफ सी बनाया था उसमें एक लॉज था जिसमें उनको स्पेशल राइट दिया गया था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसमें क्या आप कर सकते हैं लाइक like उसमें अगर आपको फिसरी है मराइन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन बाई विंड एनर्जी या फिर जो है वाटर एनर्जी मतलब वो वो ऐसा एरिया जहाँ पे आप मतलब कुछ इकोनॉमिकली एक्टिविटी कर सकते हैं वो वाले एरिया को जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोना जा पाता है और ये जो एरिया होता है ये लगभग जो है जो बेस लाइन होता है ठीक है लाइक हमारा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारा लैंड है और यहाँ से हमारा वाटर शुरू हो रहा है ठीक है ये वाटर एरिया है तो बेस लाइन ये होगा हमारा बेस लाइन से जो है हमारा 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है कोस्ट के स्टेट के बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो क्या आता है वो हमारा आता है किस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जिसको ई बोलते हैं अभी हाल ही में एक घटना हुई थी आपने देखा होगा कि काफ़ी न्यूज़ में था जो यूएस नेवी ने आके हमारे जो ई वाले एरिया हैं उसमें अपने जो है लाइक उनके जो मतलब युद्ध वाले थे जहाज उनको वहाँ से उन्होंने निकाला और उसका काफ़ी बड़ा न्यूज़ बन के निकल के आया था तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप भी इससे याद रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आ, स्पेशल uh, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये वही होता है ठीक है होप इट्स क्लियर टू यू अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया हैज द टोटल ब्रैकिस वाटर एरिया यानी कि इंडिया में जो टोटल ब्रैकिस वाटर का एरिया है वो कितना है तो इंडिया में जो टोटल ब्रैकिस वाटर का एरिया है वो है हमारा 1.24 मिलियन हेक्टेयर ओके अगला है इंडिया हैज द टोटल रिजर्वायर एरिया यानी कि इंडिया में जो टोटल रिजर्वायर एरिया है वो उसका कवर कितना है तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज थ्री पॉइंट वन फाइव मिलियन वो करेक्ट हो जाएगा अगला है हाउ परसेंट ऑफ अवेलेबल वाटर एरिया हैज ब्रॉट अंडर एक्वाकल्चर प्रैक्टिस यानी कि uh, कितना जो अवेलेबल परसेंटेज वाटर एरिया है वो एक्वाकल्चर प्रैक्टिस के अंदर में लिया जाता है करंटली तो वो है हमारा फोर्टी परसेंट ओके तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड एंड टैंक इन इंडिया यानी कि जो प्रोडक्टिविटी uh, होती है पॉन्ड एंड टैंक से जहाँ पे उसमें जो एक्वाकल्चर हमारा होता है उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग एवरेज प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो वो कितनी है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी जो हमारी पॉन्ड एंड टैंक से होती है इंडिया में वो है हमारी टू टन पर हेक्टेयर पर ईयर यानी कि एक ईयर में इतने हेक्टेयर से टू टन के हिसाब से जो है प्रोडक्टिविटी होती है पॉन्ड्स एंड टैंक से ओके okay? अगला है हमारा एक्वा कल्चर इन इंडिया इज मेनली डोमिनेटेड बाय आईएमसी एंड विच अकाउंट्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनलैंड फिश प्रोडक्शन दैट मींस जो एक्वा कल्चर है इंडिया में जो मेनली डोमिनेटेड है आईएमसी से उसमें कितना उसका परसेंट जो है कंट्रीब्यूट करता है टोटल इनलैंड फिश प्रोडक्शन में इनलैंड फिश प्रोडक्शन से मतलब यह है इनलैंड जो फ्रिज प्रोडक्शन में आता है हमारा लाइक इनलैंड एरिया लाइक रिवर हो गया हमारा पॉन्ड्स टैंक्स ये सारे जो एरिया होते हैं ये इनलैंड मेराइन वाटर को छोड़ के लाइक सी like वाले को एरिया को छोड़ के ये सारे हमारे इनलैंड में आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा एट्टी परसेंट यहाँ के जो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा ओके अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया हैज़ अराउंड वट मिलियन हैक्टेयर ऑफ इनलैंड सेलाइन सॉइल एरिया यानी कि जो सेलाइन सॉइल एरिया की अगर बात करें इनलैंड वो कितना है तो वो लगभग है हमारा एट मिलियन तो यहाँ एक ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कल्चर्ल्ड स्ट्रिम्प कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सिंप एक्सपोर्ट यानी कि जो टोटल सिरम्प का एक्सपोर्ट होता है उसमें जो कल्चर्ड स्रम्प है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है तो कल्चर्ल्ड स्ट्रिम्प जो है उनका कंट्रीब्यूशन हमारा फिफ्टी परसेंट है जो हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं सिरिम्प का ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा सी आर जेड जो कोस्टल रेगुलेशन सॉरी सी आर जेड क्या है तो सो सी आर जेड जो है वो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा जाता है इसको तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे ए है वो करेक्ट हो जाएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन वो एरिया होता है सी का बेस का या फिर रिवर कह सकते हैं जो ब्लैक वाटर होता है जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है टाइड्स से ठीक है जिसमें हमारा 500 हंड्रेड अप टू फाइव मीटर वाला एरिया यानी कि जो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन लैंड के बीच में जो मतलब लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच का जो लैंड होता है वो हमारा क्या कहलाता है वो कहलाता है हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो हमारा एक्ट है वो 1999 में 1991 में बना था और इसको कौन रेगुलेट करता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट रेगुलेट करता है ये कब आया था ये आया था हमारा 1991 में ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा द एरिया वेयर सृम्प हेक्टेयर इन इंडिया विच हैज इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वट बिलियन लार्वी यानी कि जो सरिम का मतलब कितने हेक्टेयर में जो है कितना लाइक कितना जो बिलियन लार्वी है उसका प्रोडक्शन होता है कितनी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है तो जो 260 हेक्टेयर जो एरिया है उसमें लगभग 11 बिलियन लारवी का प्रोडक्शन की कैपेसिटी है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा ओके अगला क्वेश्चन है हमारा सिस्टम ऑफ सीड प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन गुड क्वालिटी क्रॉप सीड फ्रॉम फेस वाटर एक्वाकल्चर यानी कि जो सिस्टम सीड प्रोडक्शन है कंट्री गुड क्वालिटी क्रॉप सीड का फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कल्चर में वो कहाँ से आता है तो वो हमारा बेसिकली जो है वो जो बंद ब्रीडिंग होती है उससे आता है बंद ब्रीडिंग जो है वो एक टाइप एक टाइप है पेरिनियल और सीजनल ब्रीडिंग टाइप का जिसमें आ, मतलब पेरिनियल और सीजनल टैंक हम बनाते हैं ठीक है एम्पाउंडमेंट करते हैं जहाँ पे रिवलियन कंडीशन हम देते हैं और सेमुलेट करते हैं मेजर क्रॉप की ग्रोथ को वहाँ पे ब्रीडिंग उनकी कराती है बेसिकली वहाँ पे उसको हम बंद ब्रीडिंग बोलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर मतलब कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसको हम सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर कंसीडर करते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर होता है उसको हम सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर कंसीडर करते हैं क्यों कंसीडर करते हैं बिकॉज इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग जो है वो कंबाइन करती है फिश स्वाइन पोलेट्री वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड यहाँ पे जो है एडजस्टेंट वेजिटेबल प्लांटेशन भी होता है जो फर्टिलाइज होता है जो न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्ड वाटर होते हैं यानी कि एक चीज़ से हम, कई सारी चीज़ों का जो है ग्रो होता है दैट मीन्स एक साथ कई सारी चीज़ें ग्रो यानी कि वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर है वो हमारा सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर है और ये बेसिकली जिनके पास मतलब एरिया लैंड एरिया कम होता है जो थोड़े से पुअर होते हैं फार्मर कह सकते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है कि वो थोड़े से एरिया में जो है बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं ठीक है ठीके? अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अपलाइड टू एक्वा कल्चर पॉन्ट टू कंट्रोल एल्गल ब्लूम जो एल्गल ब्लूम होता है एल्गम एल्गल ब्लूम क्या होता है एल्गल एल्गल ब्लूम बेसिकली वो होता है कि जिसमें लाइक न्यूट्रिएंट जो होते हैं लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस मतलब जो फर्टिलाइजर में हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो एग्रीकल्चर रन ऑफ जब होता है तो वो क्या आ जाते हैं एक्वेटिक सिस्टम में आ जाते हैं ठीक है और उसके उनके आने से क्योंकि वो न्यूट्रिएंट उनके साथ ज़्यादा आता है और एलगी को न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए तो उनसे जो है ना एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एलगी की और इसको ही हम क्या बोलते हैं एल्गर ब्लूम बोलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पोंड्स में कंट्रोल करना है एलगल ब्लूम्स को तो उसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है तो उसके लिए जो है हमारा कॉपर उसको अप्लाई करते हैं अगर हमको एलगर ब्लूम को कंट्रोल करना है पोंड सिस्टम में ओके अगला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर लोकेटेड ऑन यानी कि सी आई एफ ए है वो कहाँ पे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर तो तो जो सी आई एफ ए है वो कहाँ पे है वो है हमारा भुवनेश्वर में ओके अगला है क्वेश्चन रेंज ऑफ सेलिनिटी ऑफ एक्वाकल्चर इज जो सेलिनिटी की रेंज है एक्वाकल्चर में वो लगभग कितनी होती है तो वो होती है हमारी आ, और देन 0.5 परसेंट तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा एक्वा कल्चर अथॉरिटी ऑफ इंडियाज मेन ऑफिस इज इन यानी कि जो एक्वा कल्चर अथॉरिटी का जो मेन ऑफिस है इंडिया का वो कहाँ पे है तो ये मेन ऑफिस जो है ये हमारा मद्रास में है ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंक्लूड्स ऑर्गेनिक और, फर्टिलाइजर में क्या आता है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है हमारा वो उसमें काउडंग आएगा अगर ऑप्शन में अगर हम आप देखें क्योंकि एनपी यूरिया और जो सुपर फॉस्फेट है ये हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट, लिमिट लिमिटिंग द पोंड इज डन टू यानी कि सॉरी लाइमिंग जो होती है प्लांट पॉन्ड की वो किस कैसे की जाती है तो लाइमिंग जो होती है पोंड की उसको उसको करने का जो मेन पर्पज होता है टू किल द पैरासाइट एंड टू रेज द पी एस यानि कि पी एच को बढ़ाने के लिए और पैरासाइट जो होते हैं उसमें उनको किल करने के लिए बेसिकली लाइनिंग की जाती है पॉन्ड की ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा एन पी के रेशियो ऑफ नर्सरीज पॉन्ड जो नर्सरीज पोंड होते हैं उसमें जो एन पी uh, के यूज़ किया जाता है उसका रेशियो बेसिकली कितना होता है तो एन पी के जो हमारा नर्सरीज पोंड में यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एट इस फोर इजू टू के रेशियो में यानी कि जो नाइट्रोजन है वो एट पार्ट और जो पोटेशियम है वो फोर पार्ट और जो ओके okay, ये है हमारा के उसको टू पार्ट हम फॉर्फ फोरस फोर पार्ट और पोटेशियम जो है वो टू पार्ट यूज़ करते हैं ओके okay? अगला है हमारा द मेजर एडवांटेज ऑफ इनकेप्सुलेटेड डाइट इज जो मेजर एडवांटेज है इनकेप्सुलेटेड डाइट का वो क्या है कि इनकेप्सुलेटेड डाइट को यूज़ करके जो वाटर क्वालिटी है वो क्या होती है इस नहीं होती है इनकेप्सुलेटेड से मतलब ये है कि जो हम डाइट uh, देते हैं ठीक है ठीके? वो हमारी एक नैनो कैप्सूल के फॉर्म में उसमें अंदर रहती है ठीक है तो क्या है कि वो अगर वो कंज्यूम करते हैं तो ठीक है अगर नहीं अगर कुछ चीज़ें अगर वो मतलब उनकी डाइट वो कंज्यूम नहीं करते हैं तो भी वो कैप्सुलेटेड होती है तो वो जो क्या है क्या करेगी है? हमारे जो वाटर है उनकी क्वालिटी को स्पॉइल नहीं करेगी मतलब वो उसमें घुलेगी नहीं ओके अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफा इज, कि टाइफा क्या है तो टाइफा जो है एक रूटेड हायर प्लांट है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा एलगल ब्लू मीज कॉज बाई जो एलगल ब्लू है वो बेसिकली किसकी वजह से कॉज होता है तो वो जो माइक्रोसाइसाइटिस है उसकी वजह से हमारा एलगल ब्लू कॉज होता है अगला क्वेश्चन है हमारा सेलमोल इज द इन द फीड स्टफ इज किल्ड बाई जो सेलम है वो फीड स्टफ में किसके द्वारा किल्ड होता है तो अगर उसको हम स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में तो उससे वो किल होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी टोटल रिजर्वेयर इन द कंट्रीज यानी कि जो टोटल रिजर्वेयर है उनका कितना है कंट्री में तो टोटल रिजर्वेयर जो है वो कंट्री में है हमारे नाइन्टीन यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा 19370 ओके okay? अगला है हमारा सिस्ट ऑफ ब्राइन सरिम हैच आउट एज जो सिस्ट है ब्राउन ब्राइन ब्रा, स्रिम का वो कैसे हैज आउट होता है तो वो होता है नौपीली की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा डी कैप्सुलेशन ऑफ अर्टीमिया सिस्ट मीन्स जो डी कैप्सुलेशन सिस्ट का अगर हम करते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है तो डी कैप्सुलेशन से सिंपल मतलब होता है कि जो हार्ड हार्ड सेल होती है

प्रेस्ड होता है आउटवर्डली उसको क्या बोलते हैं उसको हम ओवर्ड बोलते हैं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है हमारा महिमा फ्रीड वॉज डेवलप्ड बाई जो महिमा फ्रीड है उ, उसको किसने डब, मतलब कौन से जो इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप किया था तो ये डेवलप की गई थी हमारी सी के द्वारा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा फिश प्रोटीन और रिच इन जो फिश प्रोटीन है वो किस में रिच होती है तो फिश प्रोटीन जो है हमारा लाइसिन में रिच होती है अगला क्वेश्चन है हमारा एम रोजन बर्गी अटेन्ड फर्स्ट मेच्योरिटी इन जो एम रोजन बर्गी वाइटी है वो उसकी जो फर्स्ट मेच्योरिटी है वो कितने मंथ में आती है तो वो आती है हमारी फोर टू सेवन मंथ में ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा एम बर्गी इज है एम रोजनबर्गी क्या है तो एम रोजनबर्गी जो है क्या है वो हमारा ओमिनी वोर है ठीक है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन महुआ ऑयल केक की जो एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है महुआ ऑयल केक में वो क्या है तो जो एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है महुआ ऑयल केक में वो होता है हमारा सेपोनिन सेपोनिन क्वालिटी जो होती है यानी कि जो देखा होगा आपने जो सोप सोप लाइक बनता है वो बेसिकली सैपोनिन की वजह से ही आता है आपने पल्सिस वगैरह में भी इसको ऑब्जर्व किया होगा अगला क्वेश्चन है हमारा बींग फर्स्ट एमंग ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री जो फर्स्ट ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सी है तो जो सिंगापुर है वो क्या है फर्स्ट ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है ओके अगला क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया सी बेट्रोस कॉमनली नोन है जो इंडिया में जो बैटरेस है वो उसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है तो जो मांगुर होती है उसको उसका साइंटिफिक नेम जो है वो सी बैटरेच है जिसको इंडिया में हम मतलब लोकल जो है उसको हम मांगूर के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है हमारा भी चीज़ है आयोहेलाइन फिस यानी कौन सी जो फिश है वो एरोहेलाइन फिश होती हैं तो बेसिकली एरोहेलाइन फिश वो होती है जो एबल होती है अडॉप्ट करने में वाइड रेंज ऑफ सेलैनिटी यानी कि आ, मतलब जो सेलिनिटी होती है ना मतलब उसकी रेंज जो है अगर काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी हो फिर भी उस उस कंडीशन को वो जो है इजिली मैनेज कर लेती हैं उस कंडीशन पर वो रह, रह लेती हैं ठीक है थीके? तो इसकी फीस यानी कि जो मिल्क फीस है और जो सी बैस है ये दोनों जो है रिलेन फीस के एग्जांपल हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा इज़ कॉल्ड एज एक्वेटिक चिकन यानी कि किसको हम एक्वेटिक चिकन के नाम से जानते हैं तो जो तिलापिया है उसको हम एक्वेटिक चिकन के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा इज ए प्रोटेनड्रस हर्माफ्रोडाइट यानी कि कौन सा है जो पोटेंड्रस हर्माफ्रोडाइट्स की कैटेगरी में आता है तो हमारा जो जायन पर्च है और जो ओ है ये दोनों हमारे प्रोटाइनड्रस हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा इन सिरिम्प वाई आर्गन प्रोड्यूस जो सरिम्प है उसमें वाई आर्गन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है तो इन जो सरिम्प है उसमें वाई ऑर्गन प्रोड्यूस तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन मसीर जो गोल्डन मसीर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं गोल्डन मसीर को हम टीप टोरा के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज प्यूटी टोरा वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा इन एनिमल सेल डी एन ए इज प्रेजेंटिंग एनिमल सेल में जो डी एन ए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में डी एन ए जो है वो या तो माइक्रो माइक्रोकॉन्डिया और न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा खजन लैंड और प्रेजेंटिंग जो खजान लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है तो खाजन लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है हमारी कहाँ पे कर्नाटका में तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस ऑफ मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज नोन एज जो प्रोसेस होती है मैसेज ट्रांसफर की डीएनए से एमआरएनए आर मैसेज जिसको हम मैसेज एन आर भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला है सी बैस आर कंसिडर्ड एज जो सी बैस है उसको हम क्या बोलते हैं तो सी बैस जो है जैसे कि हमने पहले भी देखा अगले क्वेश्चन में ये जो है वाइड रेंज ऑफ सेलिटीज को एडॉप्ट करने के लिए जो है वो होती हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे एवरल हेलाइन तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है फिश दैट इजली ब्रीड इन पॉन्ड इज जो फिश जो है जिनका इजली ब्रीडिंग हो जाता है पॉन्ड में उसको हम क्या बोलते हैं उनको हम कॉमन क्रॉप बोलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है दैट इज कॉमन कॉप वो करेक्ट हो जाएगा अगला है सेक्सुअल रिवर्सल इज अ कॉमन इन जो सेक्सुअल रिवर्सल होता है वो किसने कॉमन होता है यानी कि जो सेक्स रिवर्सल है किसी भी टाइम पे वो हमारा कॉमन uh, किस में देखने को मिलता है वो जो है स्वार्ट टेल वाले में देखने को मिलता है अगला क्वेश्चन है हमारा इनफ्यूजोरिया इज इनफ्यूजोरिया क्या है तो इन फ्यूजोरिया जो है हमारा क्या है वो एक प्रोटाजून है ठीक है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दैट इज प्रोटोजोन अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रॉपसी इज कॉज बाई जो ड्रॉपसी है वो बेसिकली किसके वजह से कॉज होती है तो ड्रॉपसी जो है वो मेजरली कॉज होती है किसकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगला है हमारा सिरहेनेस मेरेगला इज जो सीरीहेनस मेरेगला है वो क्या है ये एक हमारा बॉटम फीडर है बॉटम फीडर से मतलब वो जो अपना फीडिंग करता है वो बॉटम में जाके करता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलीजेनिक इन्ेरिटेंस कैन बी मेजर इन जो पॉलीजेनिक इन्हेरिटेंस है उसको मेजर हम कैसे करते हैं पॉलीजेनिक इन्ेरिटेंस को मिजर हम कैसे करते हैं पॉपुलेशन में मेजर करते हैं ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा एकोसोम इज फाउंड जो एकम है वो कहाँ पर फाउंड किया जाता है तो एकम जो होता है वो हेड ऑफ स्पम में फाउंड होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है हाउ मच परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बिन कन्वर्टेड इन टू सिर्फ सीम फॉर्म मतलब कितना जो परसेंट है एग्रीकल्चर लैंड का वो कन्वर्ट कर दिया गया है सिर्म फॉर्म में तो वो लगभग हमारा जो 12.5 टू 15 परसेंट का जो लैंड कवर है वो किस में कवर कर दिया वो हमारा सिर्फ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड को ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है दैट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव टू फिफ्टीन परसेंट वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा द सी ओ डी लेवल ऑफ एक्सटेंसिव स्ट्रीम कल्चर इज मतलब जो सी ओ डी का लेवल होता है एक्सटेंसिव स्म कल्चर में वो लगभग कितना होता है तो वो होता है हमारा थर्टी वन पॉइंट जीरो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ओके अगला क्वेश्चन है हमारा द फॉस्फेट लेवल ऑफ सेमी इंटेंसिव कल्चर इज जो सेमी इंटेंसिव कल्चर होता है उसमें फॉस्फेट का लेवल कितना होता है फॉस्फेट लेवल जो होता है सेमी इंटेंसिव कल्चर में वो होता है हमारा लगभग जीरो पॉइंट वन टू ओके अगला क्वेश्चन है हमारा द स्टडी कंडक्टेड इन सी बेड फॉर्म ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट यानी कि जो स्टडी कंडक्ट हुई थी सी बेड फॉर्म में नैलोर डिस्ट्रिक्ट में तो वो कहाँ पे है नैलोर डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है तो नैलोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में जहाँ पे इंडस्ट्री स्टडी कंडक्ट की गई थी सेव एट फॉर्मिंग पे ओके बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जो मराइन एरिया कवर किधर है हमारा ये साउथ के एरिया में देन वेस्ट बंगाल ये सारे में तो ज़्यादातर जो अगर प्लेस से रिलेटेड बात पूछे या फिर ज़्यादा जो फिशरी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात हो तो ये ज़्यादातर जो है हमारे किधर ही होंगे ये हमारे साउथ वाले रीजन में होंगे तो आप इससे इजली अगर आपको कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो कि होता है हमें सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता तो आप एक थोड़ा सा अपने मतलब कॉमन सेंस का यूज करके भी कभी कभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा बबल्स नेस्ट आर बिल्ड बाई जो बबल नेस्ट है वो कौन बिल्ड करता है तो बबल नेट जो है वो बिल्ड किया जाता है गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट्स हैं उसके द्वारा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा फीडिंग हैबिट ऑफ ऑस्कर जो फीडिंग हैबिट है ऑस्कर की वो कौन सी है तो फीड वो ऑस्कर जो है वो कॉर्नीवर्स की कैटेगरी में आता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा फिश विच ब्रीड आउट ऑफ वाटर ऐसी फिश जो मतलब उनकी जो उनकी जो ब्रीड होती है वो आउट ऑफ वाटर होती है तो वो कौन सी फिश है तो वो जो है जंपिंग ट्रेटा जो है वो वाली फिश का जो है ब्रीडिंग जो है वो आउट ऑफ वाटर होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा कैरोटीनाइड पिगमेंट प्रेजेंट इन जो कैरोटिनाइड पिगमेंट है वो किस में प्रेजेंट होता है तो ये हमारा प्रेजेंट होता है कैरेट में ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है अ अटिपिकल एक्टोपैरासाइट जो टिपिकल एक्टोपैरासाइट है उसका एग्जाम्पल कौन सा है तो जो टिपिकल एक्टोपैरासाइट है उसमें जो हमारे लीजेज हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लू डिजीज इन सरिम्प इज कॉज ड्यू टू जो ब्लू डिजीज होती है सरिंप की वो बेसिकली किसकी वजह से होती है तो ब्लू डिजीज जो सिम पे मतलब उनको अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाता है तो उसमें ब्लू डिजीज उसको बोलते हैं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर ऑफ वाटर सॉलेबल विटामिन प्रिपेयर्ड बाय फ जो टोटल नंबर ऑफ वाटर सॉलेबल विटामिन है ठीक है अगर हम बात करें जो फिस से प्रिपेयर होती है वो उसमें क्या आता है तो होता है टोटल नंबर जो है वाटर सॉलेबल विटामिन वो हमारे इलेवन है जो हमारे प्रिपेयर होते हैं फिज से ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है दैट इज इलेवन वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट यूज इन एक्वाफीड इज़ जो नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट यूज होता है एक्वाफीड में वो कौन सा है तो एक्वा फीड में जो नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट यूज होता है वो है हमारा वाइटमिन ई बी एच ए एन बी एस टी इज नॉट अ नेचुरल ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा द चीपेस्ट न्यूट्रिएंट एनर्जी सोर्स इज जो चीपेस्ट न्यूट्रिएंट एनर्जी सोर्स है वो कौन सा है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट ठीक है बाकी लिपिड प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो है ये उतने ज़्यादा चीपेस्ट नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको लगभग ही सारे जो हमारे सीरियल्स मिलेट्स और सारे जो हैं ग्रेन उसमें ईजिली जो है और भरपूर मात्रा में हमको मिल जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोबायोटिक्स मेनली कंटेंट जो प्रोबायोटिक्स हैं उसमें मेनली क्या होते हैं तो प्रोबायोटिक्स हमारे उसमें जो आएगा वो आएगा हमारा लैक्टोबैसिलस ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा ईकोलाई एसपर्जिलस एंड नाइट्रोबैक्टर इज अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ठीक है ये जो है हमारे ये बेनिफिशियल नहीं होते हैं हमारे हेल्थ के लिए बट जो हमारा प्रोबायोटिक है दैट इज लैक्टोबैसिलस ये जो है हमारा हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है कर्ड योगर्ट में बेसिकली ये हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे डेरी बेस्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो हमारा फर्मेंटेशन के लिए जो हम स्ट्रेन यूज करते हैं वो लैक्टोबैसिलस ही होता है अगला क्वेश्चन है हमारा द सेक्स रेशियो ऑफ गोल्ड फिश ब्रीडिंग जो सेक्स रेशियो होता है गोल्ड फिश ब्रीडिंग का वो क्या है होता है हमारा टू एज टू वन का रेशियो ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा द कंटिन्यूड अकरेंस ऑफ वायरल डिजीजेस इन कल्चर्ड स्विप ओवर लास्ट ईयर यानी कि जो कंटिन्यूड अक्रेंस है वायरल डिजीजेस का कल्चर्ड स्विप में वो लगभग कितने साल से देखने को मिल रहा है तो ये लगभग देखने को जो कंटिन्यू है वो देखने को मिल रहा है लगभग दस ईयर से ठीक है लास्ट टेन ईयर जो है उसमें देखने को मिल रहा है वायरल डिजीजेज ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है हमारा द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ चाइना इन द ईयर 2013 यानी कि जो ग्लोबल ग्लोबल प्रोडक्शन था चाइना का ईयर 2003 में एक्वा कल्चर का वो कितना था तो वो था हमारा 8.7 पॉइंट सेवन ओके okay? अगला है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल मोलस हैज बीन यानी कि जो एडिबल मोलस का जो ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन था वो कितना था तो वो था हमारा 11.05 मिलियन टन ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा इन 2003 थाउजेंड थ्री द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओएस्टर इज यानी कि 2003 में जो टोटल कंट्रीब्यूशन था ओएस्टर का वो लगभग कितना था तो वो लगभग था हमारा नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन वन परसेंट यानी कि आप देख सकते हैं इट इज़ अज़ अमाउंट ओके अगला है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरिएटर यूज फॉर पॉन्ड एरिए एरिएशन यानी कि ऐसा जो मोस्टली कॉमन यूज होता है एरिएटर पॉन्ड एरिएशन के लिए वो बेसिकली कौन सा है तो उसके लिए हमारे पैडल व्हील और एक्सपाटर जो है ये दोनों जो है कॉमनली यूज होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सर्वाइवल ऑफ कोल्ड वाटर फिश यानी कि जो ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज है सर्वाइवल ऑफ कोल्ड वाटर फिश की वो कितनी होती है तो वो होती है फोर्टीन टू एटीन डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है सर्वाइवल ऑफ कोल्ड वाटर फिशेज की ठीक है अगला है द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सर्वाइवल ऑफ वार्म वाटर फीसेज यानी कि वार्म वाटर फीसेज के जो सर्वाइवल है रेंज है वो किस कौन से टेम्परेचर तक वेरी करती है तो वो हमारा ट्वेंटी फोर टू थर्टी डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है सर्वाइवल ऑफ वार्म वाटर फीसेज के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है टर्बिडिटी इज अ रिजल्ट ऑफ जो टर्बिडिटी होती है यानी कि जो वाटर में आप कह सकते हैं कि कुछ भी घुल जाने से जो उसके वाटर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो मतलब धुंधला पाना जाता है कह सकते हैं टर्बिडिटी तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है तो टर्बिडिटी जो है जो सस्पेंडेड हमारे सॉइल पार्टिकल हैं यानी कि जो अगर हम आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सॉयल का मिलाते हैं तो पानी का रंग जो क्या मठमैला हो जाता है मतलब उतनी पारदर्शिता उसमें नहीं रह जाती इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ठीक है तो टर्बिनिटी उसकी वजह से भी आती है जो प्लान्टनिक ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से भी और जो ह्यूनिक सब्सटेंसेज हैं उनकी वजह से भी हमारी जो टर्बिडिटी है वाटर की वो आती है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा फिर जो हमारा क्वेश्चन है हंड्रेड नंबर वाला उसमें क्या है ऑप्टिमम सेची डिस्क विजिबिलिटी ऑफ फिश पॉन्ड इन कंसिडर्ड टू बी जो ऑप्टिमम सेची डिस्क है जो विजिबल होती है फिश पॉन्ड इसमें वो उसको कितना कंसीडर हम करते हैं तो उसके लिए जो कंसीडर हम करते हैं वो है हमारा थर्टी टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर कंट्रोल ऑन टर्बिडिटी वी यूज अगर हमको कंट्रोल करना है टर्बिडिटी को तो हम क्या यूज़ करते हैं तो टर्बिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक मेन्योर जो है फाइव टू थाउजेंड के पर हेक्टेयर वो यूज़ किया जा सकता है जिप्शम और एलम ये तीनों जो है हमारे यूज किए जा सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है एलम तो आपने मतलब बेसिकली घर में भी यूज़ करके पानी की टर्बिडिटी को हटाने के लिए करके देखा होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिमम रेंज ऑफ अमोनिया इन पॉन्ड वाटर जो ऑप्टिमम रेंज होती है अमोनिया की पॉन्ड वाटर में वो कितना कंसिडर किया जाता है तो 0.25 से लेकर 0.05 पॉइंट जीरो एम पर लीटर जो है हमारा जो ये ऑप्टिमम रेंज है अमोनिया का वो कंसिडर किया जाता है अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो जो है हमारा उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा गर्गोनाइट्स पॉपुलरली लोन है जो गर्गोनाइट्स हैं उसको पॉपुलर मतलब उसको कॉमनली या पॉपुलरली हम किस और नाम से जानते हैं तो उसको सी फैंस या सी विम्स के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री कम्प्राइजेज यानी कि Uh, जो मेजर जो रिवर सिस्टम है कंट्री का उसमें हाउ uh, मैनी जो, जो है मेजर रिवर सिस्टम जो है कंट्री में कितनी जो मेजर रिवर सिस्टम है वो मतलब पूरा वाटर सिस्टम को कंप्राइज करती हैं तो वो होते हैं हमारे है, <coughs> है, फोर्टीन मेजर रिवर सिस्टम जो कंप्राइज करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा द फीसरी अपर मिडिल एंड लोएस्ट स्ट्रेच ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज डोमिनेटेड बाई जो फिसरीज है अपर मिडिल एंड लोअर स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर की वो कौन से फिश से डोमिनेटेड यानी कि कौन से फिश की वैरायटी से तो वो जो हमारी कैट फिशेस की वैरायटी है उससे डोमिनेटेड है ये पूरा ये तीनों एरिया अपर मिडिल एंड लोअर स्ट्रेस जो है ब्रह्मपुत्र का अगला है द दे एडिबल सी वीड प्रोटीन परसेंटेज जो एडिबल सी वीड में प्रोटीन परसेंटेज है वो कितना आता है लगभग तो वो है हमारा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी परसेंट एड लिपिड इन सीविड जो लिपिड्स lip, uh, की यानी कि जो फैट कंटेंट है सीविड में वो लगभग कितना है हा कि कौन कितना परसेंट है तो वो आता है हमारा सिक्स टू अलेवन परसेंट ओके अगला है विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन लैंड फिश प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इज यानी कि जो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड फिश प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सी है वो है हमारी चाइना ओके okay? अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज मार्जिनल वीड जो 109 नंबर क्वेश्चन है कि मार्जिनल विड कौन सी है तो जो हमारा आईपूमिया और टाइफा ये दोनों क्या है मार्जिनल में विड में आते हैं ठीक है थीके? अगला है इन इंडिया ट्रॉट हैरची इज प्रेजेंट इन जो इंडिया में जो ट्रॉट हैचरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है तो ये जो है भीम तार और लोनावाला इन दोनों में जो है ट्रॉट हैचरी वो देखने को मिलती है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पर्ल्ड यानी कि जो पर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सा है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो कौन सा है वो है जापान अगला क्वेश्चन है हमारा पे मोनोडा अटेंड फर्स्ट मेच्योरिटी इन यानी कि जो पे मोनाडाउन है उसके उसकी जो फर्स्ट मेच्योरिटी आती है वो कौन से मंथ में आती है तो इसकी जो फर्स्ट मेच्योरिटी है वो आपको देखने को मिलती है टेन टू ट्वेल्थ मंथ ओके अगला क्वेश्चन है लिमिटिंग एमिनो एसिड्स आर जो लिमिटिंग एमिनो एसिड्स होते हैं वो कौन से हुए हैं तो लिमिटिंग एमिनो एसिड्स में हमारा लाइसिन एंड मिथ्यून आता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा पी प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई कैरी बी म्यूलिस इन जो पी प्रोसेस है वो उसको किसने डिस्कवर किया था उसको डिस्कवर किया था कैरी बी म्यूलिस ने कौन से ईयर में तो किया था उसको नाइनटीन में यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा द फैमिली ऑफ द ट्रॉट इज जो फैमिली है ट्रॉट की उसको क्या बोलते हैं तो जो फैमिली है ट्रॉट की वो हमारा सेल्मो सेलमो फैमिली जो है वो हमारी ट्रॉट की फैमिली है ट्रॉट जो है सेलमोनाइडी फैमिली से बिलोंग करता है ओके अगला क्वेश्चन है हमारा फैमिली ऑफ़ द माइनर क्रॉप इज जो फैमिली है माइनर कॉप की फैमिली उसको क्या बोलते हैं तो वो जो है हमारा साइपर निडीन जो फैमिली निडी फैमिली है वो क्या है माइनर क्रॉप फैमिली में आती है अगला है द फैमिली ऑफ द जो मैसी की जो फैमिली है यानी कि जो मैसी है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है तो वह है साइपर डिडी फैमिली ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा आइडियल स्लोप ऑफ पॉन्ड इज जो आइडियल स्लोप कंडीशन होती है पॉन्ड की वो कितनी होती है तो वो वन इज टू वन के रेशियो की होती है अगला है जो सीई टी पी एस यानी कि जो सीई टी पी एस है उसका फुल फॉर्म क्या है तो सीई टी पी एस मीन्स कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो जो इफ्लुएंट्स होते हैं हमारे ठीक है कॉमन इफ्लुएंट्स उसके ट्रीटमेंट प्लांट को हम सीईटीपीएस टी पी एस के नाम से जानते हैं ठीक है मतलब कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीईटीपीएस टी पी एस बोलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा फिसेस विच आर ट्रू हर्माफ्रोडाइट यानी कि फिशेस जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं वो कौन सी हैं तो इसमें जो है हमारा सरे एंड स्परा ये दोनों जो है हमारे ये आ, ऐसी फिजिस हैं जो ट्रू हारमोफ्लोराइड की कैटेगरी में आती हैं ठीक है थीके? तो ये थे हमारे आज के ए एस आर बी नेट एक्वाकल्चर के एक जो है टू थाउजेंड नाइनटीन के सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि मेमोरी बेस्ट है होप आप लोगों को ये वीडियो जो है यूजफुल लगी होगी अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो थोड़ा भी आपको इससे कुछ हेल्प मिला हो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच